आगरा में एलपीजी गैस से भरा टैंकर लीक होने से हड़कंप मच गया। 3.5 घंटे तक टैंकर से एलपीजी गैस का रिसाव होता रहा। एलपीजी गैस लेकर टैंकर रिफाइनरी से इलाहाबाद जा रहा था। मामला थाना सिकंदरा के ठीक सामने का है। थाना सिकंदरा के सामने स्पीड ब्रेकर पर टैंकर जैसे ही आया, टैंकर ने जंप लिया तो उसके ऊपर लगा हुआ सेफ्टी बोल्ट खुल गया। सेफ्टी बोल्ट खुलने से बहुत तेजी से एलपीजी गैस निकलने लगी। चीता मोबाइल पर तैनात सिपाही हिमांशु चौधरी और संजय सोलंकी ने देख लिया। उन्होंने उस टैंकर को रोका और रास्ते में सारी भट्टी चूल्हे बंद कराते हुए यमुना किनारे बीच जंगलों में ले जाकर खड़ा कर दिया। इस बीच फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आनंद फानंद में मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने 3.5 घंटे के बाद एलपीजी गैस रिसाव पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। टैंकर में 17 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी। अगर आग लग जाती तो करीब 10 किलोमीटर तक फैल जाती। बहरहाल सिपाहियों की सूझबूझ और सतर्कता के चलते आगरा में बड़ा हादसा होने से चल गया। जी क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार सर। जी मनोज जी, क्या क्या परेशानी हो गई थी? सर गाड़ी के अंदर प्रेशर बढ़ गया था, उसके वजह से ब्रेकर पे बाल उड़ गया था, सेफ्टी बाल होता है, उसके वजह से बाल अरवाइज लीकेज कर गई थी। अच्छा, इससे क्या क्या परेशानी हो सकती थी? सर शहर में तो इससे आग भी लग सकती थी। इससे आग भी लग सकती थी? बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए आप जो है कैप्सूल में क्या सुरक्षा व्यवस्था करते हैं? उसमें सर सेफ्टी किट होती है, फायर किट, फायर वैक्स होते हैं, उससे कवरिंग करते हैं सर। दूसरे नंबर पे हम अपने प्लांट पे फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड पे फोन करते हैं, अलाउड करते हैं, मतलब बुलाने के लिए। इस समय क्या स्थिति है सर? इस टाइम तो ठीक है, कवरिंग हो गई है, बंद हो गया है, गाड़ी भेजती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मथुरा से। क्या नाम है भाई साहब का? अशफाक अहमद। क्या मतलब आप कहाँ से ट्रक लेके आ रहे थे, कहाँ जा रहे? मथुरा रिफंडी से लेके आ रहे थे, लखनऊ जा रहे सर। क्या आपको उसकी जानकारी हुई थी, जब लीकेज हुई थी? लीकेज हुई सर, यार गाड़ी साइड की है, दो वहाँ पे पुलिस वाले मिल गए हमको, उनके वजह से गाड़ी लेके यहाँ चले आए। नहीं, हमको वहाँ पे कहीं जगह नहीं मिल रहा खड़ी करने का, उनके वजह से गाड़ी यहाँ लेके आए, सेफ गाड़ी खड़ी कर दी। क्या मानते हैं आपकी लीकेज होने की, क्या वजह है, आपकी ओर से क्या लगा? उसका मान सर कुछ नहीं, कुछ उसके अंदर दिक्कत हो गई होगी, लीकेज हो गई, बाकी उसे कोई टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा नहीं था कि लीकेज हो जाए। और वहाँ ब्रेकर पे गाड़ी जैसे 2 नंबर में लगा के उठा बढ़ाए, वहीं टाइम से लीकेज करने लगा, गाड़ी साइड की, उस टाइम पुलिस वाले आ गए वहाँ पे, बोले आप अंदर ले चलो यहाँ पे रोड से, वहाँ भी जो भी होगा समस्या आप बताओ, आप प्लान लिखने वाले को और सूचना दो फार्मेसी वाले को। तो सूचना दिए, यहाँ पे आ गई गाड़ी, कोशिश की अपने से बंद नहीं हुआ, फिर वो लोग आके अब बंद कर दिए।